हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेक माय एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीटी। तो दोस्तों, रोज की तरह आप सभी का स्वागत है आपके शो के अंदर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो विद कुमार सम। तो सुबह के साथ बज चुके हैं, जल्दी से हमारे साथ तैयार हो जाइए शो के ऊपर चलने के लिए, जहां पर हम करंट अफेयर्स को कुछ इस अंदाज में करते हैं कि आपका आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वहां पर करंट अफेयर्स में आपको अटेम्प्ट करने में बिल्कुल आसानी हो। तो यहां पर इस शो के अंदर हम न्यूज को, खबरों को सेगमेंट्स में बांटते हैं, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, बिजनेस की बातें, बैंकिंग की बातें, अपॉइंटमेंट की बातें, अग्रीमेंट की बातें, स्पोर्ट्स की, दुनिया की खबरें, मतलब तमाम उन खबरों के ऊपर नजर रखी जाती है, उसे समझाया जाता है जो बहुत ही रीसेंट है, बहुत ही करंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकती है। और उसके बाद ये शो यहीं पे खत्म नहीं होता है, तो उन सभी खबरों की मरम्मत करने के बाद हम क्या करते हैं, तो एमसीक्यू में जाते हैं, मतलब क्विज सेशन को भी अटेंड करते हैं और उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में एक रिवीजन भी कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि एज इट इज उसी फॉर्मेट में आपको वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिल जाए। तो इसी के साथ मैं आपको अपने ही अंदाज में बोलूंगा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार। जुड़ जाइए हमारे साथ और चलते हैं इस खूबसूरत सफर की तरफ समय को जाया किए बगैर, लेकिन एक रिक्वेस्ट के ऊपर कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिसे और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सके। और चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ, और फर्स्ट न्यूज, नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय खबरें, राज्य की खबर, स्टेट की खबर, और 10 दिन का जो एक नाटक है कर्नाटक के अंदर वो खत्म हो गया, और कांग्रेस जेडीएस कोलिशन विंस फ्लोर टेस्ट इन कर्नाटका असेंबली। कर्नाटका विधानसभा में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन ने फ्लोर टेस्ट जो है, शक्ति परीक्षण जो है, वो भी पास कर लिया, मतलब 117 एमएलए का जो सपोर्ट था उन्होंने गवर्नर को विधानसभा के अंदर दिखा दिया है। और इसी के साथ कांग्रेस जेडीएस गठबंधन जो है वो सरकार संभाल रही है, और जैसा हमने बताया था कि कांग्रेस के कौन से सीएम बने हैं, वो अब डिप्टी सीएम बने हैं, और जेडीएस के सीएम बने हैं एचडी कुमारस्वामी, कर्नाटका के न्यू सीएम। तो यहां पर इस खबर को पढ़ेंगे हम, तो जनता दल सेक्युलर कांग्रेस कोलिशन हेडेड बाय एचडी कुमारस्वामी वॉन द फ्लोर टेस्ट इन द कर्नाटका असेंबली, एंडिंग द 10-day पॉलिटिकल ड्रामा। द मोशन एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस इन द कुमारस्वामी गवर्नमेंट वॉज अडॉप्टेड थ्रू अ वॉइस वोट। तो एक वॉइस वोट लिया गया वहां पर और लोगों से, मतलब विधायकों से पूछा गया, एमएलए से पूछा गया कि आप किसकी तरफ हैं, तो 117 एमएलए वोटेड इन फेवर ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट। तो गठबंधन सरकार के पक्ष में 117 विधायकों ने अपना समर्थन दिया। द बीजेपी एमएलए लेड बाय फॉर्मर सीएम येदुरप्पा स्टेज अ वॉकआउट ओवर द फार्म लोन वेवर इश्यूज जस्ट बिफोर द ट्रस्ट वोट। तो इस विश्वास मत से पहले बीजेपी के सभी विधायकों ने संसद से वॉकआउट कर दिया, मतलब बाहर निकल गए किस इश्यू के ऊपर, तो किसानों को कर्जा माफ करने वाले इशू के ऊपर उन्होंने संसद से वॉकआउट किया और निकल गए। तो यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो क्विक फैक्ट्स ऑफ कर्नाटका, कैपिटल इज बेंगलुरु, वजूभाई वाला इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका, घाट प्रभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, फेमस डांस ऑफ कर्नाटका इज यक्षगान, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स इन कर्नाटका आर कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा एंड मालाप्रभा, बांदीपुर नेशनल पार्क, दंदेली नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका एंड सुपा डैम इज कर्नाटका। तो आगे चलते हैं राष्ट्रीय खबर की अगली खबर की तरफ। आईएससी इंटर स्टेट काउंसिल फिनिशेस डिस्कशन ऑन पुंछी पैनल रिपोर्ट। आईएससी ने पुंछी पैनल रिपोर्ट पर चर्चा को खत्म किया और उनके रिकमेंडेशंस को मानने की बात भी करी। तो यहां पर ये दोनों चीजों के बारे में हम जरूर जानेंगे कि व्हाट इज इंटर स्टेट काउंसिल, तो इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, अंतरराज्यीय परिषद क्या है, और पुंछी कमीशन क्या है, उन दोनों चीजों के बारे में हम जरूर जानेंगे। लेकिन इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल कंप्लीटेड डेलिब्रेशन ऑन ऑल द 273 रिकमेंडेशन ऑफ पुंछी कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, नेशनल सिक्योरिटी, कम्युनल हार्मनी एंड प्लानिंग इन इंडिया, होम मिनिस्ट्री स्टेटमेंट सेड। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इंटर स्टेट काउंसिल। तो ध्यान से सुनिएगा, फोकस करके सुनिएगा, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के प्रोविजन के अंदर, आर्टिकल 263 हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 263 के अंदर, आर्टिकल 263 के अंदर प्रोविजंस के अंदर एक बॉडी बनाई गई थी 1990 में भारत सरकार के द्वारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे, राष्ट्रपति के आदेश के ऊपर नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का निर्माण किया गया था 1990 में
जिसका नाम रखा गया इंटर स्टेट काउंसिल, जो आर्टिकल 263 के प्रोविजंस के ऊपर बेस्ड है और इसके अंदर सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है, झगड़ों को खत्म किया जाता है, विवाद को खत्म किया जाता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। और इनके चेयरमैन कौन होते हैं, तो इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उनके चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर, जो अभी कौन है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह। अब बात करते हैं पुंछी कमीशन की, तो एमएम पुंछी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मर एमएम पुंछी के कमेटी बनाई गई 2010 के आसपास यूपीए गवर्नमेंट, देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी 3 सदस्यों की, जिसके चेयरमैन एमएम पुंछी, जो कौन, तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनको क्या काम दिया गया था, तो उनको काम दिया गया था कि आप सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर सुझाव देंगे, कम्युनल हार्मनी, सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि ये जो दंगे होते हैं कास्ट के ऊपर या रिलीजन के ऊपर, तमाम इन दंगों को किस तरह से रोका जा सकता है, सेंटर स्टेट रिलेशन और कैसे हार्मनल बनाया जा सकता है, इन सभी मुद्दों के ऊपर रिकमेंडेशन करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था, जिसके कमीशन के 273 बातों के ऊपर चर्चा जो है अभी रिसेंटली आईएससी की स्टैंडिंग कमेटी ने की और उस चर्चा को खत्म किया कि हर एक मुद्दे के ऊपर बात करके सेंटर स्टेट रिलेशन किस तरह से स्ट्रांग बनाया जाए उसके ऊपर चर्चा करी। तो ये दोनों चीजें, इंटर स्टेट काउंसिल और पुंछी कमीशन, आपको जरूर समझ में आया होगा। और इस खबर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। द मैंडेट ऑफ द कमीशन वॉज टू एग्जामिन व्हाट कुड बी द रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग मेजर एंड प्रोलॉन्ग्ड आउटब्रेक्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, कास्ट वायलेंस और एनी अदर सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो इस तरह से सामाजिक विवाद अगर पैदा हो जाए, जातीय विवाद, सामाजिक विवाद और सामुदायिक विवाद अगर हो जाए तो किस तरह से उस हिंसा से बचा जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा की गई। एंड टू रिव्यू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड लिंकिंग ऑफ रिवर्स, तो नदियों का कैसे एकीकरण किया जाएगा और टैक्सेस के ऊपर, करों के ऊपर किस तरह से बात की जाएगी, कुछ और एस्पेक्ट्स हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के, उसके ऊपर भी चर्चा की गई। देन द 13th मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, और ये मीटिंग कहां पर हुई, स्टैंडिंग कमेटी की, न्यू दिल्ली के अंदर, और मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इन हिज कंक्लूडिंग रिमार्क्स राजनाथ सिंह एक्सप्रेस्ड सेटिस्फैक्शन दैट द स्टैंडिंग कमेटी ओवर अ सीरीज ऑफ मीटिंग सिंस 2017 had completed deliberations on all the 273 recommendation of the commission report. तो यहाँ पर उन्होंने संतुष्टि जताई, संतोष भी जाहिर किया कि 2017 से जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो रही है इस कमीशन के ऊपर, और उस कमीशन के 273 सुझावों के ऊपर चर्चा भी हुई और उसको काफी हद तक मानने की कोशिश भी की जाएगी, ये चर्चा के साथ इस स्टैंडिंग कमेटी का, इस कमीशन के ऊपर ये चर्चा जो है खत्म हुआ और जितने भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों के ऊपर बहुत ही विचार योग्य जो है वो बातें हुई। अगली खबर की तरफ चलेंगे, नेशनल न्यूज की तरफ चलेंगे, राष्ट्रीय खबर की अगली खबर, मिशन इनोवेशन मिनिस्टीरियल मीटिंग हेल्ड इन स्वीडन, स्वीडन में आयोजित हुआ मिशन इनोवेशन मिनिस्टीरियल मीटिंग। तो देखिए नए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मंत्रीय लेवल पे एक बैठक कहां पर हुआ, मिशन इनोवेशन मिनिस्टीरियल मीटिंग, तो वो स्वीडन में हुआ। इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। द थर्ड मिशन इनोवेशन मिनिस्टीरियल मीटिंग वॉज हेल्ड एट मालमो स्वीडन, स्वीडन के अंदर एक जगह है मालमो, वहां पर ये मीटिंग हुआ। द इंडियन डेलीगेशन वॉज लेड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस। तो यहां पर हमारे मंत्री, तो हमारे दल को किन्होंने नेतृत्व किया, हमारे दल का, भारतीय दल का नेतृत्व किन्होंने किया, इंडियन डेलीगेशन का लीडरशिप किन्होंने किया, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो किस चीज के मंत्री हैं, साइंस टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेस के। मिशन इनोवेशन कंट्रीज लॉन्च मिशन इनोवेशन चैंपियंस प्रोग्राम टू फेलिसिटेट क्लीन एनर्जी इनोवेटर्स। तो यहां पर मिशन इनोवेशन के जो चैंपियन प्रोग्राम को लॉन्च किया यहां पर देशों ने मिलकर, जहां पर क्लीन एनर्जी इनोवेटर्स जो है वो मुख्य मुद्दा रहा कि आने वाले समय में साफ ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उसके लिए नए विचारों का आदान प्रदान किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड स्मार्ट ग्रिड वर्कशॉप एट कोपनहेगन एंड चेयर्ड पब्लिक प्राइवेट राउंड टेबल ऑन स्ट्रेटजीज ऑन डी कार्बनाइजेशन थ्रू इनोवेशंस इन स्मार्ट ग्रिड्स। इसके अलावा डेनमार्क के कैपिटल कोपनहेगन में स्मार्ट ग्रिड वर्कशॉप का भी चेयरमैनशिप और इनॉग्रेशन किन्होंने किया, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया, जहां पर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू
डीकार्बोनाइजेशन करना चाहते हैं और स्मार्ट ग्रिड को डेवलप करना चाहते हैं, तो इंडिया अनाउंस सेटिंग अप अ फर्स्ट इंटरनेशनल इंक्यूबेटर फॉर क्लीन एनर्जी इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एट टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड $5 मिलियन इन दिल्ली। और इंडिया जो है पहला अपना अंतरराष्ट्रीय इंक्यूबेटर लॉन्च करना चाहता है क्लीन एनर्जी के ऊपर, जहां पर साफ ऊर्जा को बनाने में और साफ ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए एक ऐसी सेंटर की स्थापना की जाएगी जो ऐसे विचारों का आदान प्रदान करेगा। $5 मिलियन $5 मिलियन के लागत से ये सेंटर, ये इनक्यूबेटर, ये सेंटर कहां पर बनाया जाएगा, ये केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो न्यू दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। आपको क्या याद रखना है, तो मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो स्वीडन में हुआ, जहां पर हमारे भारत को किन्होंने नेतृत्व किया, रिप्रेजेंट किया, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया, और वहां पर कोपेनहेगन के अंदर उन्होंने स्मार्ट ग्रिड वर्कशॉप का भी उद्घाटन किया, और उसके अलावा दिल्ली में वो पहला अंतरराष्ट्रीय इनक्यूबेटर क्लीन एनर्जी भी ओपन करना चाहते हैं $5 मिलियन के लागत से। आगे चलेंगे और नवंबर 30, इसी न्यूज को थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। और नवंबर 30, 2015 लीडर ऑफ 20 कंट्रीज केम टुगेदर टू लॉन्च मिशन इनोवेशन, अ लैंडमार्क 5-year कमिटमेंट टू एक्सेलरेट द प्लेस ऑफ इनोवेशन एंड मेक क्लीन एनर्जी वाइडली अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल वर्ल्ड वाइड। तो क्लीन एनर्जी को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए आज से 5 साल पहले जो है, मतलब 2015 में 5 सालों के लिए, 2015 में 5 सालों के लिए 20 देशों ने मिलकर इस मिशन इनोवेशन की शुरुआत करी थी, एमआई की शुरुआत करी थी मिशन इनोवेशन की 2015 में। 20 कंट्रीज ने मिलकर फॉर फर्दर 5 इयर्स के लिए कि किस तरह से क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्विक फैक्ट्स ऑफ स्वीडन, स्वीडन से जुड़ा हुआ क्विक फैक्ट्स आपके सामने। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी स्टॉकहोम, प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लोवन, लेजिस्लेचर रिक्स डैग, और करेंसी इज स्वीडिश क्रोना इज द करेंसी ऑफ स्वीडन। आगे चलेंगे अगली खबर की तरफ, नेशनल न्यूज की अगली खबर। एचआरडी मिनिस्ट्री लॉन्चेस समग्र शिक्षा स्कीम, मानव संसाधन मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना की शुरुआत करी। और यहां पर समग्र शिक्षा योजना क्या है, तो एक समग्र का मतलब क्या होता है, ओवरऑल, पूरा का पूरा, कॉम्प्रिहेंसिव हम अप्रोच कह सकते हैं, समग्र का मतलब पूरा, ओवरऑल, समग्र, कॉम्प्रिहेंसिव। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर launched समग्र शिक्षा स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। द स्कीम focuses ऑन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, enhancing द लर्निंग आउटकम्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू empower चिल्ड्रन एंड टीचर्स। एन एनुअल ग्रांट ऑफ 5,000 टू 20,000 रुपीज विल बी प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रेंथनिंग लाइब्रेरीज इन स्कूल। तो इस अभियान के तहत, इस स्कीम, इस योजना के तहत एचआरडी मिनिस्ट्री जो है स्कूल की लाइब्रेरी को अपग्रेड करने के लिए 5,000 से 20,000 रुपीज जो है वो एलोकेट करेगा। एनुअल ग्रांट मतलब साल में 5,000 से 20,000 रुपए का एक अनुदान देगा। किस चीज के लिए, पुस्तकालय, लाइब्रेरीज को और अपग्रेड करने के लिए स्कूल्स के अंदर, देन बच्चों को एम्पावर और अपग्रेड करने के लिए स्कूल्स के अंदर, देन बच्चों को एम्पावर किया जाएगा, टीचर्स को एम्पावर किया जाएगा तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। समग्र शिक्षा इज अ प्रोग्राम दैट यूनिफाइज लर्निंग फ्रॉम द प्री स्कूल टू क्लास 12 लेवल्स। तो यहां पर यूनिफाइज, एकीकृत किया जाएगा, मतलब प्री स्कूल से लेकर नर्सरी, एलकेजी से लेकर 12th तक की क्लास को बिल्कुल समग्र शिक्षा, मतलब पूरा का पूरा स्कूल का जो पैटर्न है उन सभी शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाएगा, यूनिफिकेशन किया जाएगा। एंड इनकैप्सुलेट एलिमेंट ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। तो इन सभी योजना, जो और भी योजनाएं चल रही है शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, उन सभी को भी सम्मिलित किया जाएगा, एक किया जाएगा, और फिर समग्र शिक्षा स्कीम जो है उसके टारगेट को पूरा किया जाएगा। तो आपको कोड वर्ड क्या याद रखना है, तो सिंपल कोड वर्ड है कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया है, जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स और टीचर को अपग्रेड करना चाहते हैं, लाइब्रेरीज को एनुअल ग्रांट देना चाहते हैं 5,000 टू 20,000 एनुअल ग्रांट, जिससे लाइब्रेरीज को स्कूल्स के अंदर अपग्रेड कर सके। आगे चलेंगे नेशनल न्यूज, 15th फाइनेंस कमीशन constitutes high level group for balanced expansion of health sector. 15वीं वित्त आयोग स्वास्थ्य क्षेत्र के संतुलित विस्तार के लिए उच्च स्तरीय समूह का गठन करेगा और कर चुका भी है। तो 15th फाइनेंस कमीशन, तो यहां पर मैं इस खबर को डिटेल में पढ़ूंगा और आपसे दो क्वेश्चंस में पूछ रहा हूं 15th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है,
जिसका 2017 में गठन किया गया, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का नाम बताइए, और फाइनेंस कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशनड है ये भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, और फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, इन विच आर्टिकल फाइनेंस कमीशन इन इज मेंशनड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस खबर को हम आपके लिए पढ़ते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हाई लेवल ग्रुप फॉर बैलेंस्ड एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सेक्टर, तो 15वीं वित्त आयोग स्वास्थ्य क्षेत्र के संतुलित विस्तार के लिए उच्च स्तरीय समूह का गठन जो है वो करेगा। तो 15th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ एमिनेंट एक्सपर्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री इन हेल्थ सेक्टर टू एग्जामिन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस फॉर इनेबलिंग बैलेंस्ड एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सेक्टर। तो स्वास्थ्य क्षेत्र का एक संतुलित विकास हो सके और वो लोगों तक पहुंच सके। संतुलित का मतलब है कि हर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बिल्कुल बराबर पहुंच सके, बैलेंस पहुंच सके। इसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी एक्सपर्ट हैं उनकी राय ली जाएगी और बैलेंस अप्रोच की तरफ बढ़ा जाएगा। द कमेटी विल बी कन्वीन्ड बाय, तो कमेटी को किन्होंने कन्वीन किया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर ऑफ एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस मीटिंग को कन्वीन किया, चेयरमैनशिप करी, और डॉक्टर देवी शेट्टी, चेयरमैन ऑफ नारायण हेल्थ सिटी बेंगलुरु, वो भी यहां पर मौजूद रहे। तो आगे आपको क्या जानना है, तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का नाम और फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है, तो यहां पर बिल्कुल सभी का स्टूडेंट का आंसर सही है, और फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आता है, आर्टिकल 280, ज्यादातर स्टूडेंट्स बिल्कुल सही हैं, तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आता है, 280 अनुच्छेद में फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की चर्चा की जाती है, जहां पर वित्त आयोग प्रेसिडेंट के द्वारा गठित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा उसका कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, चार मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन होते हैं, और चेयरमैन का नाम बिल्कुल सही बताया आप सभी ने, एनके सिंह। एनके सिंह इज द करंट चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, और 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन, तो वो भी बिल्कुल सही उत्तर दिया आप सभी ने, वाईवी रेड्डी, फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई, वाईवी रेड्डी 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। अगली खबर की तरफ चलते हैं, तो इसी न्यूज को थोड़ा सा डिटेल में लेंगे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ हाई लेवल ग्रुप ऑन हेल्थ सेक्टर, तो इसका रेफरेंस क्या होगा, इस ग्रुप का, इस कमेटी का रेफरेंस क्या होगा, तो इट विल इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन हेल्थ सेक्टर। तो स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर अभी हमारा नियामक जो संस्था है वो किस तरह से काम कर रहा है उसके बारे में इवेल्युएट करेगा। इट विल एग्जामिन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द हेल्थ सेक्टर, तो हमारा जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसकी मजबूती और उसकी कमजोरी का भी बयान करेगा, और जिससे हम अपने आप को सही कर सकें। इट विल सजेस्ट वेज एंड मीन्स टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंसेंटिव्स द स्टेट गवर्नमेंट्स एफर्ट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ वेल डिफाइंड हेल्थ पैरामीटर्स इन इंडिया। तो यहां पर वो रास्ते भी बताएंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस खोजने के बाद वेज और मीन्स भी बताए जाएंगे कि किस तरह से हम एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके अपने संसाधनों का और बेहतर इस्तेमाल कर सके अपने रिसोर्सेज का। ये भी ये जो ग्रुप है हेल्थ सेक्टर के ऊपर कमेटी जो है वो रिकमेंड करेगा आने वाले समय के अंदर। अगली खबर, इंडियन नेवी कमीशन्स फोर्थ शिप ऑफ लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4। भारतीय नौसेना ने लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 के चौथे जहाज को कमीशन किया। तो आपको तस्वीर में दिख रहा है कि ये MK4, तो ये क्या है, लैंडिंग क्राफ्ट है, मतलब ये हथियारों को, वायुसेना के जहाजों को और तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स को युद्ध के समय में कैरी करने में सक्षम है। लैंडिंग क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, नौसेना का काम क्या होता है, बड़े बड़े वेसल्स, बड़े बड़े जहाज जो फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़े होते हैं, नौसेना उसका इस्तेमाल जो है युद्ध के समय में करती है और अपने बेड़े को अपने समुद्री सीमा के अंदर स्थापित करके वहां से मोर्चे को संभालती है युद्ध के समय में, और जहां पर उस बेड़े के ऊपर सभी तरह के इक्विपमेंट्स ले जाने की क्षमता होती है। तो इंडियन नेवी ने लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 जो है उसको कमीशन किया है। कहां पर कमीशन किया है और ये किस तरह का MK4 है इसको जरूर जानेंगे। तो इंडियन नेवी कमीशन द INLSU L54, द फोर्थ शिप ऑफ लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 इनटू इट्स फ्लीट एट पोर्ट ब्लेयर, तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के अंदर इसको कमीशन किया गया। द शिप वॉज कमीशन बाय वाइस एडमिरल GS पेवी।
तो जीएस पेबी के द्वारा यहां पर इसका उद्घाटन किया गया, कमीशन किया गया, और जीएस पेबी जो है उनको कौन कौन से मेडल मिल चुके हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और चीफ ऑफ मटेरियल, ये काफी इनको रैंक वगैरह मिल चुके हैं। कमीशनिंग ऑफ L54 इज इन लाइन विद द यूनियन गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो L54 LSU मैक 4 जो है, MK4 जो है, वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत कमीशन किया गया पोर्ट ब्लेयर के अंदर। और इन LSU L54 इज द फोर्थ लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी मैक 4 क्लास टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। तो ये LSU L54 जो है ये चौथी सीरीज है, इसी वजह से MK4 इसको बोला गया है, जो इंडियन नेवी के द्वारा इंडक्ट किया गया है। कहां पर इंडक्ट किया गया है, तो पोर्ट ब्लेयर के अंदर। और इसको किसने स्वदेशी तौर पर ये डिजाइन किया गया है, बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में इसका डिजाइनिंग और कोलकाता में ये बना है। द शिप इज कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट कमांडर मुनीश सेठी और शिप कैरिंग 830 टन्स इज कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वेरियस काइंड्स ऑफ कॉम्बैट इक्विपमेंट सच एज द मेन बैटल टैंक T-72 एंड अदर व्हीकल्स। तो देखिए 830 टन जो है वो समान इक्विपमेंट, कॉम्बैट, लड़ाई के समय पर जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उसको ढोने की क्षमता रखता है ये MK4 सीरीज का LSU L54। और यहां पर कौन कौन से बैटल टैंक, तो टैंक जो हमारा युद्ध टैंक है T-72 उसको भी ढोने में सक्षम है ये वाला युद्धपोत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। आगे चलेंगे इंटरनेशनल खबर की तरफ, अंतरराष्ट्रीय न्यूज की तरफ। और पीएम ऑफ नीदरलैंड इनॉग्रेट्स इंडो डच गंगा फोरम। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट भारत के दौरे पे आए हैं और उसी फेहरिस्त के अंदर, उसी लिस्ट के अंदर पीएम ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड के पीएम ने इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया इंडो डच गंगा फोरम का। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत डच गंगा फोरम का उद्घाटन किया। और इन न्यू दिल्ली पीएम ऑफ नीदरलैंड मार्क रूट इनॉग्रेटेड द इंडो डच गंगा फोरम टू टेक फॉरवर्ड एन MOU साइंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंट ऑफ द नीदरलैंड्स इन जून 2017। तो जून 2017 में नीदरलैंड और इंडिया के मध्य यह समझौता हुआ था, जिसको अब जाकर MOU जो है वो एप्लीकेबल आया गया। तो इंडो डच गंगा फोरम जो है उसका उद्घाटन किया है और उसका इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड ने, जहां पर गंगा की सफाई जो है वो नीदरलैंड की सहायता से भी की जाएगी। तो यहां पर क्विक फैक्ट्स ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड की कैपिटल इज एमस्टरडम, करेंसी यूरो, ज्यादातर नीदरलैंड में करेंसी कौन सी चलती है, यूरो, और कुछ एक एरिया में, नीदरलैंड के कुछ एक एरिया में US डॉलर भी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नीदरलैंड इज डच, लेजिस्लेचर स्टेट जनरल अपर हाउस को वहां पर सीनेट बोलते हैं, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। अगली खबर भी नीदरलैंड से ही जुड़ी हुई है, अंतरराष्ट्रीय खबर। तो नीदरलैंड बिकम 64th सिग्नेटरी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नीदरलैंड अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 64वां सदस्य बना। तो यहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है जल्दी से लिखिएगा, मतलब दुनिया में एक ही इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर हमारे भारत में है। तो ये हमारे भारत में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है, जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इस खबर को हम डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में जानने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। इंडिया और नीदरलैंड के बीच में समझौता ये हुआ कि मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 64वां देश, 64th मेंबर बना है नीदरलैंड। नीदरलैंड हैज बिकम द 64th सिग्नेटरी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पीएम मोदी नोटेड दैट द फर्स्ट इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE इन वेजिटेबल्स हैज स्टार्टेड इन बारामती महाराष्ट्र। तो 64th मेंबर तो बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। उस खबर के बाद अगली खबर यह है कि पहला इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वेजिटेबल्स, तो सब्जियों के क्षेत्र के अंदर पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इंडिया डच के बीच में, इंडिया नीदरलैंड के बीच में कहां पर स्टार्ट किया गया, बारामती महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया। इंडिया आल्सो वेलकम द नीदरलैंड एज पर द पार्टनर कंट्री फॉर टेक समिट इन 2019। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 64th मेंबर बना नीदरलैंड। दूसरी खबर क्या है इसी के अंदर, तो दूसरी खबर यह है कि भारत और इंडिया ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वेजिटेबल, सब्जियों के ऊपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करी, कहां पर, बारामती महाराष्ट्र के अंदर। टेक समिट, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक सम्मेलन होगा 2019 में। तो पार्टनर कंट्री कौन बना इंडिया का, नीदरलैंड। According to data from 2016-17, the Netherlands was the fifth largest foreign investor in India. तो भारत में पांचवा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है नीदरलैंड। ग्लोबली द नीदरलैंड इज इंडिया 28th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और अगर व्यापारिक पार्टनर की बात करें तो 28वें नंबर पे आता है, और सिर्फ यूरोपियन यूनियन के देशों की बात करें तो वो 6ठे नंबर पे आता है। तो नीदरलैंड हमारा एक अच्छा सहयोगी देश है, जिसके साथ हमने कुछ समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर किया जो आपके सामने
मेंशन किया। तो अगली खबर की तरफ जरूर बढ़ेंगे और यहां पर बहुत सही आप सभी का उत्तर, और मैं आपके आंसर्स की तरफ ही देख रहा हूं और आपका आंसर बहुत खूब। और गुरुग्राम हरियाणा, जिसको पहले गुड़गांव कहते थे, नया नाम गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन। इसी तरह से लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सके। कुछ और न्यूज रह चुके हैं, उसके बाद हम तुरंत आएंगे किसकी तरफ, तो आपके फेवरेट जोन की तरफ, दैट इज क्विज की तरफ। तो अंतरराष्ट्रीय खबर की अगली खबर, नेपाल फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट ट्रकोमा। तो देखते हैं इस खबर को डिटेल में पढ़ते हैं। तो नेपाल पहला देश बना है दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रिकोमा को खत्म करने वाला पहला देश बना, अकॉर्डिंग टू WHO। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर, नेपाल पहला देश बना है जिसने ट्रिकोमा नाम की आंख की बीमारी, तो आंख दिख रही है आपको, ट्रिकोमा नाम का एक ऐसी बीमारी होती है जिसे आंखों की रोशनी भी चली जाती है, उस बीमारी को खत्म करने वाला पहला देश बना है इस रीजन क्षेत्र के अंदर नेपाल। द WHO declared नेपाल एज फ्री फ्रॉम ट्रिकोमा, द वर्ल्ड्स लीडिंग इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। विद दिस नेपाल बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन WHO's साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू एलिमिनेट ट्रकोमा। ट्रकोमा वॉज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस इन नेपाल इन 80s। तो आपको ये याद रखना है साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर कौन सा देश बना है जिसने ट्रिकोमा नाम की आंख की बीमारी को खत्म कर दिया जड़ से, तो वो है नेपाल। नेपाल के बारे में क्विक फैक्ट्स, नेपाल की कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इज केपी शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। आगे चलेंगे इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, फिफ्थ इंडिया CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव हेल्ड इन कंबोडिया। देखिए इंडिया और CLMV का फुल फॉर्म क्या है, तो सी स्टैंड फॉर कंबोडिया, एल स्टैंड फॉर लाओस, एम स्टैंड फॉर म्यांमार और वी स्टैंड फॉर वियतनाम। तो ये CLMV चार देशों का नाम है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। तो इंडिया और ये जो चार देश है एक बिजनेस कॉन्क्लेव करते हैं, और ये बिजनेस कॉन्क्लेव कहां पर हुआ अभी आयोजित, तो वो कंबोडिया में आयोजित हुआ। तो कंबोडिया में आयोजित हुआ पांचवा भारत CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव। तो आप देख सकते हैं मंच के ऊपर सुरेश प्रभु के साथ ये जो चारों देश हैं उनके नेता भी वहां पर मौजूद है। तो देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अलोंग विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ कंबोडिया ऑर्गेनाइज द फिफ्थ इंडिया CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव इन नाम पे कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो कंबोडिया की राजधानी PHNOM PENH है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो पी साइलेंट है तो नाम पे बोलते हैं। नाम पे इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया, वहां पर यह मीटिंग आयोजित हुआ। तो फिफ्थ इंडिया CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव इन नाम पे कंबोडिया आफ्टर 4 राउंड्स ऑफ बिजनेस कॉन्क्लेव इन इंडिया। दिस इनिशिएटिव वॉज ब्रॉट बाई डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंबोडिया फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द रीजन। तो इस क्षेत्र से उस क्षेत्र के अंदर ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन बिजनेस और ट्रेडिंग क्षेत्र के अंदर किस तरह से हम पार्टिसिपेट कर सके, उसके लिए ये मीटिंग कहां पर हुआ, कंबोडिया की राजधानी नाम पेह के अंदर। द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII वॉज द इंस्टीट्यूशनल पार्टनर ऑफ द इवेंट। तो इस इवेंट के पार्टनर कौन, तो CII। द इनॉगरल सेशन ऑफ कॉन्क्लेव वॉज अटेंडेड बाई सुरेश प्रभु मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो हमारे भारत के कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर और सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने इसको अटेंड किया कंबोडिया की कैपिटल नामपे में। तो क्विक फैक्ट्स ऑफ कंबोडिया, कंबोडिया की कैपिटल नामपे, करेंसी इज कंबोडियन रियल, किंग कंबोडिया के अंदर किंग का नाम है नोरोदोम शिहामोनी और प्राइम मिनिस्टर हुन सेन। आगे चलते हैं अपॉइंटमेंट की खबर की तरफ। तो एयरटेल पेमेंट बैंक अपॉइंट्स अनुब्रता विश्वास एज MD एंड CEO। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने MD और CEO के रूप में अनुब्रता विश्वास को नियुक्त किया। तो एयरटेल पेमेंट बैंक उनका MD और CEO कौन बने हैं, अनुब्रता विश्वास, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। तो एयरटेल पेमेंट बैंक हैज अपॉइंटेड अनुब्रता विश्वास एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। विश्वास फिल्स द पोजीशन व्हिच वाज लाइंग वेकेंट सिंस एंड दिसंबर आफ्टर शशि अरोड़ा क्विट द पोस्ट। तो दिसंबर से ही ये पोस्ट खाली था जब शशि अरोड़ा ने इस पोस्ट को छोड़ दिया था। उनकी जगह पर कौन बने हैं, तो उनकी जगह पर अनुब्रता विश्वास जो है वो MD और CEO बने हैं। प्रायर टू ज्वाइनिंग एयरटेल पेमेंट बैंक ही वॉज द ज्वाइंट जनरल मैनेजर एंड रिटेल बिजनेस हेड साउथ इंडिया फॉर ICICI बैंक। तो ICICI बैंक के साउथ इंडिया ब्रांच के ये बिजनेस हेड थे। तो एयरटेल पेमेंट बैंक वॉज द फर्स्ट पेमेंट बैंक टू स्टार्ट ऑपरेशन इन इंडिया। तो भारत में
एयरटेल पेमेंट बैंक जो है पहला बैंक बना जिसने अपना पेमेंट बैंक के तौर पर पहला बिजनेस स्टार्ट करने वाला पहला बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक। आगे चलेंगे अपॉइंटमेंट की खबर की तरफ, तो देना बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गेट न्यू चेयरपर्सन। तो तीन सार्वजनिक बैंकों में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। कौन कौन से बैंक? देना बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, द गवर्नमेंट अपॉइंट्स चरण सिंह, अंजलि बंसल एंड तपन रे एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, देना बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली। तो देखते हैं यहां पर सबसे पहले पंजाब और सिंध बैंक के चेयरपर्सन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन बने हैं? चरण सिंह। पंजाब एंड सिंध बैंक चरण सिंह, देना बैंक अंजलि बंसल और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तपन रे। तो आपको सिंपल ये याद रखना है, पहला पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, तो सिडबी टू एक्सटेंड डायरेक्ट फंडिंग फैसिलिटी टू वीएलईज इन सीएसई। तो सीएसई का मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू सिडबी बैंक जो है वो वीएलईज विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, तो गांव लेवल के ऊपर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फंड देने के लिए, डायरेक्ट फंड देने के लिए एक फैसिलिटी स्टार्ट करी है अपने कॉमन सर्विस सेंटर से। तो सिडबी ने कॉमन सर्विस सेंटर से विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर को प्रत्यक्ष निधि सुविधा प्रदान करने में विस्तार करेगा। तो यहां पे सिडबी आपको याद रखना है, तो कॉमन सर्विस सेंटर एसपीवी एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी साइंड एन एमओयू फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू सीएसई अक्रॉस द कंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड लॉ एंड जस्टिस रविशंकर प्रसाद। थ्रू द एमओयू द सिडबी सीक्स टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, तो गांव स्तर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए सिडबी जो है सीएसई एसपीवी के साथ मिलकर ये लोन की सुविधा जो है वो प्रोवाइड करेगा। देन विद मिनिमम वन ईयर ऑफ ऑपरेशन अंडर द डायरेक्ट फाइनेंसिंग विंडो ऑफ सिडबी थ्रू एमओयू बोथ सीएसई एसपीवी एंड सिडबी सीक टू वर्क टूगेदर टू ब्रिंग मोर सिटीजन अंडर द एम्बिट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का टारगेट है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सम्मिलित करने के लिए सिडबी सीएससी और एसपीवी जो है वो मिलकर काम करेगा। तो सिडबी से रिलेटेड क्विक फैक्ट्स, चेयरमैन ऑफ सिडबी इज मोहम्मद मुस्तफा। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो सब्सिडरी है आईडीबीआई का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडरी है, सहायक बैंक है। तो सिडबी कब स्थापित हुआ था? 1990 में, और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? लखनऊ में। जरूर याद रखिएगा इन चीजों को। अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं, पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट अवार्ड, सीएसआईआर बैक्स क्लेरिटिव एनालिटिक्स इंडिया इनोवेशन अवार्ड 2018। सीएसआईआर ने क्लेरिटिव एनालिटिक्स इंडिया इनोवेशन पुरस्कार 2018 को प्राप्त किया। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर हैज बीन अवार्डेड द क्लेरिटिव एनालिटिक्स इंडिया इनोवेशन अवार्ड इन द गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी। दिस अवार्ड येट अगेन रिकॉग्नाइजेस सीएसआईआर एज द टॉप इनोवेटर। तो सीएसआईआर जो है इसको स्थापित किया है टॉप इनोवेटर के तौर पर इस अवार्ड ने, जहां पर विचारों, नए विचारों के लिए सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को ये अवार्ड दिया गया। एवरी ईयर क्लेरिटिव एनालिटिक्स फॉर्मली द आईपी एंड साइंस डिवीजन ऑफ थॉमस राउटर्स recognizes the most innovative companies in India according to the patent related metrics that get to the essence of what it means to be truly innovative. तो सच में क्या विचारशील बातें हैं और क्या नई बातें हैं उसको ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें इस साल का ये अवार्ड किसको मिला है? CSIR को मिला है। और CSIR तो according to Science Mago Institutions Ranking World Report 2017, तो एक रिपोर्ट के अनुसार CSIR has been ranked 9th in the world among us 1207 government institution with an overall global ranking of 75 in the world. और अगर हम government institution की बात करें तो पूरी दुनिया में हमारा 9वां स्थान है, और overall पूरी companies को मिला ले, private और government दोनों को मिला ले, तो दुनिया में CSIR का स्थान कौन सा है? 75th. आगे चलेंगे अदर न्यूज, अन्य समाचार की तरफ। WHO रशिया लॉन्च न्यू कैंपेन फॉर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018। जैसा आप लोगों को पता है नेक्स्ट मंथ मतलब 14 जून से स्टार्ट होगा आप लोगों का फेवरेट खेल स्पोर्ट्स फुटबॉल, और फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां पर? रशिया के अंदर। तो WHO उसके लिए सजग है, तो WHO ने, रूस ने फुटबॉल विश्व कप 2018 के लिए लॉन्च किया नया अभियान कि वहां पर हेल्थ इश्यूज जो है वो ज्यादा क्रिटिकल ना हो पाए। तो न्यू वीडियो कैंपेन हैज बीन लॉन्च टारगेटिंग फुटबॉल फैंस ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कप 2018 टू प्रमोट हेल्दियर एंड मोर एक्टिव लाइफ्स। द सीरीज ऑफ वीडियोस have been produced jointly by World Health Organization, Russia's Ministries of Health and 2018 World Cup Russia Local Organizing Committee
It is one of the many joint activities that will be implemented around the month-long World Cup starting from 14th of June. The campaign consists of three videos, each tackling key health risk issues of tobacco use, excessive salt consumption and physical inactivity. तो यहाँ पे वीडियो कैंपेनिंग चलाई जा रही है कि एक महीने तक चलने वाला विश्व कप जहां पर स्वास्थ्य को लेकर लोग जो है अलर्ट रह सके, सजग रह सके। अगली खबर, क्विक फैक्ट्स ऑफ WHO। WHO टेड्रोस अधानम गेब्रियासिस इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और लास्ट न्यूज है, अंतिम खबर है, और इसके बाद बढ़ चलेंगे आपके फेवरेट जोन की तरफ जहां पर MCQ क्विज GK जो है आपका इंतजार कर रही है आज के सेशन को रिवाइज करने के लिए। तो स्पोर्ट्स में तेजस्वनी सावंत स्ट्राइक्स गोल्ड एट म्यूनिक ग्रैंड प्री। तो म्यूनिक ग्रैंड प्री शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर तेजस्वनी सावंत ने जीता गोल्ड मेडल। तो फॉर्मर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियन तेजस्वनी सावंत हैड बैग द गोल्ड इन द ग्रैंड प्री इन म्यूनिक जर्मनी। तो म्यूनिक ग्रैंड प्री शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर जो है हमारी तेजस्वनी सावंत इंडिया की, उन्होंने 50 मीटर राइफल प्रॉन एक खेल प्रतियोगिता होती है, कैटेगरी होती है शूटिंग के अंदर, उसके अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तेजस्वनी सावंत। तो ये याद रखिएगा नाम। आगे चलते हैं, कीप काम एंड लेट्स प्ले क्विज की तरफ। तो इसी तरह से आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है क्विज में पार्टिसिपेट कर सके। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, द थर्ड मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग वॉज हेल्ड एट डैश। तीसरी मिशन नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक डैश जगह पर आयोजित की गई, कोपनहेगन, दिल्ली, स्टॉकहोम या मालमो। जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। और बहुत खूब आप सभी का कैलाश राहुल जी, आप हमारे प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए और प्लेलिस्ट के ऊपर जाने के बाद आप क्या देखिएगा, तो वहां पर इंडियन बैंकिंग का जो लेक्चर है उसमें स्मॉल पेमेंट और फाइनेंस बैंक के ऊपर मैंने ही लेक्चर दिया हुआ है। आप उस लेक्चर को थोड़ा सा देखिएगा तो आपको पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की पूरी डिटेलिंग वहां पर मिल जाएगी। और इसी के साथ आप सभी का पार्टिसिपेशन यहां पर आना शुरू हो चुका है। और राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली, बहुत खूब, यहां पर सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर इज मालमो इन स्वीडन। तो मालमो स्वीडन के अंदर ये जो मीटिंग है उसको आयोजित किया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, मालमो इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन अवॉर्डेड द क्लेरिटिव एनालिटिक्स इंडिया इनोवेशन अवार्ड 2018 इन द गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी। सरकारी संस्थान संगठन श्रेणी में कौन सा संस्थान स्पष्टीकरण विश्लेषकी भारत नवाचार पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? सीडैक, नाबार्ड, CSIR या एम्स। जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। पूजा चौहान, ममता बेहरा, रविंदर, पूजा चौधरी, सुमन पुजारी, आरजू, जीतू दौरा, राम नरेश, हरजोत कौर संधू, अमित वर्मा, रघु चौहान, दीपक रजक, संतोष, यश भगत, राकेश, हाजिर अली, सुष्मिता हल्दर, दीप्ति सुवेडा, अमित वर्मा, संतोष साहू, सनिचर भोई, अंकित राघव, मधुस्मिता, ममता, सुखविंदर, हितेश, मयंक, अमित, साहिल, अजीत, जुगनू, कुजुम, जीतू, हितेश, प्रांजल, राघव, उमेश, प्रेमिला। आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही। और सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज CSIR इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, द 13th मीटिंग ऑफ ISC स्टैंडिंग कमेटी बिगेन इन विच सिटी। तो इंटर स्टेट काउंसिल स्थायी समिति की 13वीं बैठक किस शहर में शुरू हुई? न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या पुणे। जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। और बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन। और थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आना चाहिए 13th मीटिंग ऑफ ISC इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसकी मीटिंग कहां पर आयोजित हुई। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर भी आना शुरू हो चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। और बिल्कुल सही उत्तर की तरफ आप सभी जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स सी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, लेकिन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, दैट इज न्यू दिल्ली। आगे चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज ज्वाइंटली लॉन्च अ न्यू हेल्थ कैंपेन विद रशिया फॉर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने संयुक्त रूप से फुटबॉल विश्व कप 2018 के लिए रूस के साथ एक नया स्वास्थ्य अभियान शुरू किया है? इज इट WHO, IHO, यूनिसेफ या WFP? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। त्रिलोक सिंह, रोशन त्रिपाठी, प्रांजल, रोहित गुप्ता, हितेश, संदीप शर्मा, राघव अहूजा, मयंक सिन्हा, बहुत बढ़िया, यश भगत, साहिल ठाकुर, रविंदर कुमार,
आप सभी का पार्टिसिपेशन यहां पर बहुत खूब, हरजोत कौर संधु, पूनम वर्मा, सुमन पुजारी, आप सभी का आंसर जो है बहुत खूब, और WHO इज द राइट आंसर. तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, दैट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ HRD हैज लॉन्च्ड व्हिच स्कीम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन. स्कूली शिक्षा के समग्र विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? सर्व शिक्षा, समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा या मॉरल शिक्षा? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने किस स्कीम को शुरू किया है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मतलब स्कूल का पूरा विकास करने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया गया है. हरजोत कौर संधु, पलक बांसल, रोशन त्रिपाठी, आप सभी बहुत खूब जा रहे हैं यहाँ पे. कन्हैया लाल दुबे, सनिचर भुई, आप सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है. और पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर इज, होलिस्टिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो समग्र बोलते हैं. तो समग्र शिक्षा स्कीम इज द करेक्ट आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी. छठे क्वेश्चन की तरफ, इसी के साथ आप लाइव स्ट्रीम को, जो अभी आपके सामने लाइव स्ट्रीम चल रही है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए. तो विच कंट्री होस्टेड द फिफ्थ इंडिया CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव? पांचवें भारत CLMV व्यापार कॉन्क्लेव का आयोजन किस देश में हुआ? कंबोडिया, म्यांमार, इंडिया या वियतनाम? छठे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा यहां पर. और सिक्स्थ क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया, लेकिन ये और भी बढ़िया हो सकता है जब आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा. और यहां पर आप सभी का उत्तर बहुत जल्दी से आ रहा है, फटाफट आ रहा है, और इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए. और बहुत खूब आपका उत्तर, और छठे क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, दैट इज कंबोडिया इज द करेक्ट आंसर. सातवें क्वेश्चन की तरफ, हु हैज बिकम ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब 3 हाईएस्ट पीक्स इन नेपाल अबव 8000 मीटर्स इन सिंगल क्लाइंबिंग सीजन? एकल चढ़ाई के मौसम में 8000 मीटर से ऊपर नेपाल में तीन सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए दुनिया में प्रथम महिला कौन बन गई है? नीमा जांगमू शेरपा, रोजिता बुद्धिचार्या, रोशा बसनेट या द्यूरिली चैमलिंग? तो आपको ये आंसर देना है. तो ये न्यूज में नहीं था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो यहां पर पूछ लिया क्विज में. तो जल्दी से जरूर अविनाश कुमार जी, करंट अफेयर्स, आपको जैसा पता है कि लास्ट SSC के एग्जाम में भी करंट अफेयर्स का वेटेज जो है वो ज्यादा रहा था आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार के SSC CGL के पेपर में भी करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. बिल्कुल. और यहां पर आप सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत खूब, और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या. तो बिल्कुल सही, नीमा जांगमू शेरपा. तो आप सभी स्टूडेंट्स का उत्तर जो है ये बिल्कुल सही है. सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, नीमा जांगमू शेरपा. आठवें क्वेश्चन की तरफ, 15th फाइनेंस कमीशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड हाई लेवल ग्रुप टू एग्जामिन स्ट्रेंथ वीकनेस फॉर इनेबलिंग बैलेंस एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सेक्टर, हु विल हेड द ग्रुप? 15वें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र में संतुलित विस्तार के लिए उच्च स्तरीय समूह का गठन किया है, इस समूह की अध्यक्षता कौन करेंगे? रणदीप गुलेरिया, देवी शेट्टी, नरेश त्रेहन या के श्रीनाथ रेड्डी? हरजोत कौर संधू का पहला उत्तर यहां पर आया है, संदीप मीना, दीप्ति सुविडा, रविंदर कुमार, दीपक रजक, ममता बेहरा, जीतू दोरा, कुजुम डोंग. आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत खूब, हितेश अरोड़ा. और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या. तो बिल्कुल सही आप सभी का उत्तर, आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर इज रणदीप गुलेरिया इज द वेरी करेक्ट आंसर. नौवें क्वेश्चन की तरफ, विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी टू प्रमोट नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म? नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच का प्रचार कौन से बॉलीवुड व्यक्ति द्वारा किया जाएगा? इज इट दीपिका पादुकोण, आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा या सुशांत सिंह राजपूत? तो ये कल के सेशन से क्विज है आपके सामने. तो कल के सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे और ये कराया गया था न्यूज, और इसका उत्तर जल्दी से दीजिएगा कि विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी टू प्रमोट नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म? और यहां पर आप सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है, और बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का उत्तर जो है बहुत बढ़िया, सुशांत सिंह राजपूत इज द करेक्ट आंसर. दसवें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, सुशांत सिंह राजपूत. टेंथ क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च डेटा विजुअलाइजेशन ऐप टू प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स ऑफ द एजुकेशन सिनेरियो इन इंडिया? भारत में शिक्षा परिदृश्य के जटिल विश्लेषण के उपयोगकर्ता के अनुकूल दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने डेटा विजुअलाइजेशन ऐप लॉन्च किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. और
टेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर जो है, पहला उत्तर जो है हरजोत कौर संधू जी के द्वारा आया है यहां पर, और वो यूनिसेफ कह रही है इसका उत्तर। रोहित गुप्ता भी डी बोल रहे हैं। और अंबेसडर का मतलब दूत होता है, एक देश के द्वारा जब दूसरे देश में अंबेसडर भेजा जाता है तो उसे दूत कहते हैं, लेकिन यहां पर अंबेसडर का मतलब क्या है, तो दूत एक देश से दूसरे देश भी अंबेसडर भेजा जा सकता है, लेकिन किसी प्रोडक्ट को भी अगर आप हिट बनाना चाहते हैं तो आपका दूत जो है उसको हिट बनाएगा। तो यहां पर नीति आयोग का एक प्रोडक्ट है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, तो एक दूत सुशांत सिंह राजपूत उसको पॉपुलराइज करेंगे इंडिया के अंदर। तो दूत का मतलब होता है कि किसी किसी के प्रतिनिधि के तौर पर वो उस चीज को और उस काम को बिल्कुल सही ढंग से करते हैं, जिसको हम अंबेसडर बोलते हैं और हिंदी में उसको दूत बोलते हैं। तो यहां पर दसवें क्वेश्चन का भी सही उत्तर जो है वो है सी, दैट इज यूनिसेफ। तो अलग अलग उत्तर आ रहा था, ज्यादातर स्टूडेंट सी बोल रहे हैं यूनिसेफ, तो बिल्कुल सही, और कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग ऑप्शन दे रहे हैं, कोई डी बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहे हैं, तो प्लीज अपने आप को सही करिएगा और राइट आंसर इज यूनिसेफ। आगे चलेंगे 11th क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल भुगतान बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राजीव लल, अनुब्रता विश्वास, संजय अग्रवाल या राजीव ऋषि, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। और यहां पर 11th क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है वो आना शुरू हो चुका है, और 11th क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आप सभी के द्वारा आ चुका है, और बहुत खूब आप सभी का आंसर अनुब्रता विश्वास इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हु हैज बीन कंफर्ड विद द ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडरशिप अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा में आजीवन उपलब्धि के लिए ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडरशिप पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी या अनिल कपूर। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडरशिप पुरस्कार में आजीवन उपलब्धि के लिए भारतीय सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, और यहां पर पहला उत्तर हरजोत कौर संधू, स्वीटी वर्मा, मधुस्मिता विश्वाल, पलक बांसल। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड, और यहां पर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज श्रीदेवी इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन का राइट आंसर इज श्रीदेवी, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। हु बैग द गोल्ड इन 50 मीटर राइफल प्रोन इन द ग्रैंड प्री हेल्ड इन म्यूनिक जर्मनी, म्यूनिक जर्मनी में आयोजित ग्रैंड प्री में 50 मीटर राइफल प्रोन में स्वर्ण किसने जीता, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। संजू मीना बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो के अंदर, और बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन, और यहां पर सभी स्टूडेंट्स का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही, श्रीदेवी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने थोड़ा गलत दिया है वो ठीक कर लीजिए अपने आप को। 13 क्वेश्चन का भी राइट आंसर आना शुरू हो चुका है, और 13 क्वेश्चन का राइट आंसर इज तेजस्वनी सावंत इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेम द कंट्री हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट ट्रेकोमा, दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रेकोमा जो आंख की एक बीमारी है उसको खत्म करने वाला पहला देश कौन सा बना है, दक्षिण पूर्व एशिया साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, इंडिया, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। और बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन यहां पर, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अमित हिवसे, रघु चौहान, पूजा चौधरी, संदीप मीना, संजू मीना, ममता बेहरा, स्वीटी वर्मा, हरजोत कौर संधू, आप सभी का पार्टिसिपेशन, अमित वर्मा, राहुल अंगुराल, बहुत बढ़िया। और 14th क्वेश्चन का राइट आंसर इज नेपाल इज द करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम्स 64th सिग्नेटरी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 64वें हस्ताक्षरकर्ता सदस्य कौन सा देश बना है, कंबोडिया, इंडिया, नीदरलैंड या इंग्लैंड, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। 15th क्वेश्चन का राइट आंसर, और इसी के साथ हम गुड डे मैसेज के साथ आपको गुड डे विश करेंगे। कल हमारी छुट्टी होगी, मंडे को हम जरूर मिलेंगे सुबह 7 बजे आपके शो के साथ, करंट अफेयर्स द वेकअप शो। आपके पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पर 15th क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप सभी के द्वारा आ चुका है, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन आप सभी के द्वारा, और 15th क्वेश्चन का राइट आंसर इज नीदरलैंड इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारा आज का शो जो है वो खत्म होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेकिन गुड डे मैसेज के साथ, बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज,
Without a humble but reasonable confidence in your own powers, you cannot be successful or happy. तो आप अपने आप पर विश्वास करिए, और अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है, अगर आपकी अपनी शक्तियों के ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप संतुष्ट और खुश नहीं हो सकते हैं. तो प्लीज अपनी शक्तियों और अपने अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जरूर रखिए. सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी. इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू.